देखिए यहाँ पे सभी को पता बारिश हो रही है, नीचे सारा गिल्ला है। तकत लेके आए थे होल्डिंग, वो अंदर रख रहे थे, उन पे गाली गलौज करने लगे पुलिस वाले कि गार में सो जाओ, नीचे सो जाओ, कीचड़ में ऊपर बैठ की वो नहीं है यहाँ पे, तो उसी पे गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, अगर अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? ब्रजभूषण जैसे लोग जो क्राइम करके भी खुले में घूम रहे हैं और ये यहाँ पे ऐसे रोना पड़ रहा है रात को बिना खाए पिए कुछ, तो सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ आप लोग, अगर आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है तो। बजरंग एक सवाल है, पुलिस कह रही है कि सोमनाथ भारती इसके फोल्डिंग ला रहे थे, यानी जो बेड है वो ला रहे पहले ही थे, वो यहाँ पे पहले खड़े थे। ये दो घटनाएं मिक्स हैं या अलग अलग है? वो पहले ही खड़े थे, आप सीसीटीवी कैमरे लग रहे होंगे यहाँ पे, वो उधर खड़े थे, लेकिन वो टेम्पो वाला इधर से आया टेम्पो वाला, तो इसमें सोमनाथ भारती का तो कोई रोल ही नहीं, वो तो पहले 10-15 मिनट पहले खड़े थे वो तो यहाँ पे। पुलिस की तरफ से अभी बयान ये आया है कि सोमनाथ भारती यहाँ पर फोल्डिंग पलंग लेकर आए थे जिसकी परमिशन, सीसीटीवी कैमरे होंगे ना यहाँ पे, जिसकी परमिशन नहीं कैमरे ले जाना चाह रहे थे पुलिस की तरफ से। अभी मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ पे, उनको गाल देवा लीजिए, एक बार उनसे पूछो ना, उनको गाल माँ बेटियों को मेरे को गाल दे रहे हैं, उनको किसने परमिशन दी हमको धक्का मारने की? यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं तो एक बार पता कर लीजिए, सोमनाथ भारती तो यहाँ खड़े थे, उनको परमिशन किसने दिया? वो हम पे गाड़ी चढ़वाएंगे। 10-15 मिनट बाद आया उधर से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।